हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज दोस्तों हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन सारे फ्रेंड्स 30 एमसीक्यू सवालों को डिस्कशन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपका सारा सवाल ये बन जाए। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा यूपी बोर्ड का एग्जाम का जो भी साइंस का पेपर अभी बाकी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर ये लाइए सीरीज, तो मैं इसलिए लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर इस बार ना आपका बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में मेरे सारे जो बताए हुए वीडियोस के सारे सवाल इस बार हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे इससे बच जाए, चूक जाए। तो प्लीज सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम आराम से इसको समझिएगा क्या प्रश्न करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप सवालों को उनसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको आराम से डायरेक्टली आपका माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा, मैं हमेशा सीरीज लाता हूँ, जब भी एग्जाम नज़दीक आता है मेरा सीरीज आता और मेरे सीरीज से ना सारे सवाल हूबहू आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देख लीजिए प्रीवियस ईयर का उठा कर देख लीजिए, मेरे वीडियो को कंपेयर करिए, आपको सारा सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम सवाल क्या करता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। जेडन प्लस CuSO4 रिएक्शन किया, क्या बनाया? JnSO4 प्लस Cu। तो सवाल बोल रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। यदि आप मेरे वीडियो देखे होंगे क्लास 9-10 चैप्टर का, तो सबसे पहला चैप्टर मैंने बताया था रिएक्शन के बारे में। वहाँ मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा रिएक्शन वाला, और उसमें यदि सिंगल और सिंगल आदमी लड़े और लड़ने के बाद एक नया उत्पाद बनाए, मतलब एक नया चीज़ बनाए, जैसे दो मार्कर है, मैंने दोनों मार्कर को लड़वा दिया, लड़ाने के बाद एक सिंगल मार्कर बन गया, मतलब क्या हुआ? संयोजन हुआ, दोनों मार्कर का क्या हुआ? जुटना हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दो मार्कर तो है नहीं, जेडन तो है एक मार्कर, लेकिन CuSO4 क्या यौगिक है, मतलब एक आदमी है और एक क्या है आपका ग्रुप है। तो ये अभी क्रिया करना ही रहा, यहाँ चूंकि बना रहा है दो, वो है दो को बना रहा है, मतलब इसको तो संयोजन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि संयोजन में क्या होता है, दो मिलकर एक बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो मिलकर दो बना रहा है, मतलब ये संयोजन होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं, होता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है ना, एक दोस्त होता है ना दूसरे दोस्त के बॉडीगार्ड को हटा लेता है, है ना, मैंने बताया था ना। तो देखिए यहाँ पे जेडन है, CuSO4 है, देखिए CuSO4 जो है ना, Cu के साथ SO4 है बॉडीगार्ड, है ना, कॉपर के साथ SO4 क्या है बॉडीगार्ड, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ है बॉडीगार्ड नहीं ना, बॉडीगार्ड कौन ले गया, जेडन ले गया, मतलब क्या हुआ, ये ले गया, मतलब क्या किया, विस्थापित किया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कितना आसान से मैं समझा दूँ आपको, रटना नहीं ना पड़ा। विस्थापन में क्या होगा, आदान प्रदान होगा, एक्सचेंजिंग होगा, ठीक है, तो विस्थापन हो गया। सेकंड नंबर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है बताइए। अब पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर ना क्या होता है, सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, क्या, धातुई गुण। अब बोले कि कैसे बढ़ता है, देखिए दोस्तों जब आप पीरियोडिक टेबल में ना, देखिए फ्रेंड जिस बच्चे को रट्टा मारना है क्लास छोड़ के चले जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे क्लास में फ्रेंड्स ना रट्टा नहीं मारा था, मेरा वीडियो लॉन्ग रहता, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि बच्चा को रटना ना पड़े, बच्चा को मेहनत कम करना पड़े। जब वो कम मेहनत करना है तो मेरे क्लास में आराम से रहिए, रट्टा मारना है, मेहनत खूब करना है, एक क्वेश्चन पर चले जाइए। प्रियोरिटी वाला ऐसे रहता है, अब बाएं से दाएं मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर सीधे जाने में फ्रेंड्स क्या होता है ना, परमाणु संख्या बढ़ता है, पता ही होगा आपको, इधर एक रहेगा, दो तीन चार पाँच ऐसे बढ़ते जाता है। जब फिर परमाणु का आकार बढ़ता है ना, तो परमाणु का आकार बढ़ने से क्या होता है ना, फिर परमाणु संख्या बढ़ने से क्या होता है ना, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है। आपको पता होगा जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, यदि आपके घर में मेंबर का संख्या बढ़ेगा तो घर आपको बड़ा बनाना पड़ेगा ना। तो जस्ट लाइक यहीं पर परमाणु का आकार कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा है, परमाणु संख्या बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब आपका आकार बढ़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है, रटना नहीं मानना पड़ेगा, कैसे बढ़ा, संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका घर का साइज बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि घर आपका आदमी ज़्यादा आएगा तो आपका घर बड़ा बनाना पड़ेगा,
सेकेंड नंबर बढ़ता है। लेकिन यही दोस्तों, अभी सवाल यदि बोल दे दाएं से बाएं आने पे, तब यहाँ पे घटता हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या बोलता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। इस सवाल ना फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी बुक के ना प्रैक्टिकल से दिया, प्रैक्टिकल जो आप लिखा हुआ रहता है ना, एक व्यक्ति का फोटो पड़ा हुआ रहता है और कुछ ही इक्विपमेंट रहता है, तो जो बच्चे इसे पढ़ता होगा ना वही बना पाएगा। ऐसे मैं वीडियो में डिस्कस किया हूँ, मेरे पहले वीडियो देखिएगा तो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स आप मैग्नीशियम के फीता को जलाइएगा ना, तो पता क्या होता है, आपका श्वेत गैस निकलता है। इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन फ्यूचर में कभी करिएगा तो यहाँ पे श्वेत गैस निकलता है। श्वेत मतलब क्या होता है, उजला, सफेद लौ। लौ क्या होता है भाई, आग का, आग देखते हैं जलता है लौ। तो आप जब मैग्नीशियम को फीता को जलाइएगा ना, तो वो बनाता है फिर Mg+O बनाता है ना, Mg+O बनाता है। जो Mg+O जो होता है ना, वो सफेद लौ ही देता है आपका, ठीक है। आपका ऑप्शन रहेगा नीला, हरा, पीला, तो सफेद मारिएगा। चौथा नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज के बाद, किसी भी अधातु के बाद या किसी अधातु आयन के बाद यदि क्लोरीन लगा दे, फ्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, सब क्या होता है, अम्ल होता है। ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, अम्ल होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, सब क्या होता है, अम्ल होता है। उसी पर से कोई आपका आयन बोल देगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या आयन है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, है ना। देखिए दिक्कत, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है तो इसका सही हो जाता है क्या होगा, सवाल ये पूछ रहा है। देखिए हमको नहीं पता कैसा इलेक्ट्रॉनिक मास निकलता है, मैग्नीशियम का होता है कितना, 12 होता है। 12 को बांटिए, कैसे बांटिएगा, 2, 8, अब कितना बचा, 2 बचा ना, तो 2 चला जाएगा, 2 बाहर है ना, सबसे बाहर, सबसे बाहर क्या होता है, संयोजकता होता है, इसका सर्वदा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए छठा नंबर, इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है फ्रेंड्स आपका C2H5OH, जिसको बोलते हैं एथेनॉल भी बोला जाता है, उसका कमर्शियल मतलब व्यापारिक मतलब बिजनेस के पर्पज से उत्पादन कैसे करते हैं हम लोग, ये पूछा जा रहा सवाल आपसे, इसको याद कर लीजिएगा, किण्वन विधि द्वारा। किण्वन एक प्रोसेस है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जनरली फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल कुछ नहीं होता, ये एक शराब होता है, शराब का नाम सुना है ना, शराब, दारू, वाइन, यही आपका इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। सातवां नंबर, यदि फ्रेंड्स आपका सवाल में पूछ दे कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा C2H5OH, क्योंकि एग्जाम में आते रहता है। सातवां नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिएगा CaO होता है, कली चूना का, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा सिर्फ चूना, तो चूना एक चूना पत्थर बोल देगा, तो चूना पत्थर बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, है ना। लाइम स्टोन बोलेगा तो CaCO3 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइम बोलेगा तो CaO हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एग्जाम में कम बनाए, जैसा भी हो मेरे तरफ से बन रहा है, मैं आपको डिटेल में दे दे रहा हूं, ताकि उस पूरा डिटेल नहीं, उस लेवल तक का, जिस लेवल तक का क्वेश्चन आ सके, है ना। कि आठवां नंबर, आयोडीन युक्त नमक क्या होता है। देखिए तो ये सब सवाल ना मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कन्फर्म आएंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, आपको लगता हो कि भाई आयोडीन युक्त नमक कुछ नहीं होता, नमक में सिर्फ आयोडीन मिला देते नमक हो गया, नहीं, आयोडीन युक्त नमक में सिर्फ आयोडीन नहीं रहेगा, नमक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में NaCl+, वो आयोडीन के साथ साथ क्या रहता है पता क्या, पोटासियम आयोडाइड रहता है, NaCl+Ki रहता है, ठीक है, Ki, NaCl+Ki को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। कहीं का आपको Ki3 भी लिख देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग, तो इसको फिर याद कर लेगा, ठीक है, Ki भी रहेगा या तो फिर आपका KiO3 भी रह सकता है, ठीक है, आयोडीनिक नमक में। दसवां नंबर फिर सवाल क्या बोलता है, चलो नौवां नंबर, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको तो पता होगा प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है, नहीं पता, CaSO4 और H2O होता है, याद कर लीजिएगा, CaSO4 H2O होता है, ठीक है। देखिए इसका फिर फॉर्मूला एक और आप बना सकते हैं, 2CaSO4 या सिर्फ H2O, ये भी एग्जाम में दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसका हमेशा आधा रहेगा, CaSO4 एक गो रहेगा तो बाटर आधा रहेगा, यदि दो गो रहेगा तो ये गो रहेगा, आधा मतलब रहेगा हाइड्रोजन वहाँ पे हमेशा,
मतलब हाइड्रोजन के अणु वाटर। दसवां नंबर, अब इसका यूज कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो आप कभी कभी देखेंगे हड्डी वगैरह जब टूट जाता है शल्य क्रिया ऑपरेशन वगैरह में, तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दसवां नंबर, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह मैं आ सकता है आपका इस बार। तो कैथोड किरणों में क्या होगा फिर सबका, इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा। एनोड किरण में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, एनोड में प्रोटॉन, कैथोड में इलेक्ट्रॉन। 11 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक फंजाई इसम वगैरह में किसका मतलब पोषण कैसे होता है, मतलब पोषण समझते हैं ना, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो इसमें फ्रेंड्स होगा आपका, देखिए कवक क्या भाई, कवक फ्रेंड्स सड़े गले पौधे जीवों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये अपना खुद भोजन तो बनाता नहीं है, एक तो पहला के परजीवी है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, और कैसे किस पर डिपेंड रहता है, सड़े गले पदार्थों पर, मृत जीवी इसको बोल सकते हैं। तो ये कैसा पोषण करता है, मृत जीवी पोषण करता है। मृतजीवी पोषण। 12 नंबर, परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है, परजीवी पौधा, देखिए पौधा लेकिन कैसा परजीवी, मतलब हम सब क्या जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं कि पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, हरे पौधे वगैरह, लेकिन ये पौधा कैसा परजीवी, जिसका एक एग्जाम्पल है गोबर छत्ता, अमरवेल, ये सब जो पौधा है ना, क्या आपका परजीवी है, मतलब किस दूसरे पे डिपेंड रहता है, और उससे क्या करता है ना, भोजन को बनाता है अवशोषित करके। 13 नंबर, अग्नाशय में कौन सा, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, याद कर लीजिएगा, अग्नाशय से कौन सा होता, इंसुलिन, इंसुलिन से फ्रेंड्स क्या होता है आपका, ये फ्रेंड्स क्या करता है आपका, रक्त शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम लोग के शरीर में मान लीजिए कभी कभी ब्लड में शुगर जो होता है यदि ज्यादा बढ़ने लगता है, तो उसकी मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे डायबिटीज रोग वगैरह, मधुमेह रोग वगैरह, चिनिया रोग वगैरह, ऐसा सब क्या ऐसा होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं, ब्लड जो शर्करा मनमानी कर रहा है, पूरा खुरपाती कर रहा है शरीर में, पूरा बढ़ रहा है, तो उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो इसके कमी से होता है, यदि इसी रहेगा ना तो उसका औकात नहीं है ब्लड मैंने शुगर को कि बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कंट्रोल यही करता है। इजली कहाँ से होता है, आपका अग्नाशय से निकलता है ना, पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, वो कहाँ होता है, अमाशय के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। 14 नंबर, लैटिंग्स पाए जाते हैं, लैटिंग्स कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, आप बताइए लैटिंग्स, तो आपका कनेर का पौधा वगैरह देखे है ना, उसमें आपका पाया जाता है लैटिंग्स, क्या जनरली सवाल पूछ सकता है, लैटेंस में कुछ नहीं आपका, ये फ्रेंड्स क्या ना, आपका उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब पौधों के अंदर ना जब एक्सट्रेक्शन जो होता है, एक्सट्रेशन होता है, मतलब उत्सर्जन की क्रिया होता है, तो उस एक्सट्रेशन के दौरान क्या होता है ना, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, पौधे के तने के द्वारा बाहर निकलते, जैसे आप गोंद वगैरह देखते होंगे, सब क्या अपशिष्ट पदार्थ है ना, दूध वगैरह निकलते रहता है पौधों से, वो सब अपशिष्ट पदार्थ है, तो वही लैटेंस आपका है, ठीक है, निकलता है। 15 नंबर, वर्तिका किसका भाग है, वर्तिका आप लोग नाम सुने हैं? तो वर्तिका, देख मैं आपको फिगर बनाया था एक साधारण पुष्प का, तो मैं यहाँ पर बताया था आपको, होता था ना वर्तिका अग्र, वर्तिका अंडाशय, वो सब कहाँ होता था, स्त्री केसर में होता था, है ना, तो ये किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है। 16 नंबर, जिब्रेलिन किस प्रकार का हार्मोन है, तो जिब्रेलिन याद कर लीजिए दोस्तों, जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है आपका, ये आपका पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है, पादप, और कौन कौन सा हार्मोन है, यदि मान लीजिए याद है आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जिब्रेलिन ना देख के बोल देगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन है ना, एथिलीन, एप्सिसिकम, ये सब फ्रेंड्स आपका कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, मतलब पेड़ पौधों में निकलता है ये, है ना, हम लोग में तो इंसुलिन वगैरह तो है ना, लेकिन पेड़ पौधों में भी हार्मोन होते हैं, ठीक है।
तो इसको आप नोट करिए फ्रेंड, सवाल नंबर 16 तक का, ताकि मैं इसके आगे के सवालों को लिखूं। ठीक है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो बचे हुआ पार्ट हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या कहता सवाल को। ठीक है, तो पहले सवाल नंबर 17 में वो क्या कहता, सवाल बोल रहा है फ्रेंड्स आपका 17 नंबर कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ठीक है, रुधिर का मतलब रक्त होता है, चाप का मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो प्रेशर नियंत्रित कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है, आपका बहुत सारा नाम दे देगा पार्ट्स का, फेफड़ा दे देगा, अग्नाशय दे देगा, है ना, आपका मस्तिष्क दे देगा, बहुत सारा पार्ट्स रहेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका एक खास प्रकार का एक ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, आपका ब्लड का चाप का नियंत्रण होता है। ठीक है, उसको याद का नाम याद कर लीजिएगा, एड्रीनल ग्रंथि। क्या एड्रीनल जो ग्रंथि है दोस्तों ना, इसके द्वारा आपका ब्लड चाप, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। ठीक है, सवाल नंबर 18 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, ये सवाल फिर आपका बहुत एग्जाम में आता है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको आप मार्कआउट कर लीजिए। क्या सवाल बोलता है, लंबे कोशिका का नाम तो पता ही होगा, मैंने बताया था हर वीडियो में, बताता था आपको जब मैं वीडियो लाया था न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन या तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, तो मैं वीडियो से शुरुआत करने से पहले ही बोला था यह सबसे लंबी कोशिका होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, इसको कहीं कहीं फिर आपका न्यूरॉन लिखता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, यदि ऑप्शन आपका न्यूरॉन रहेगा तो न्यूरॉन ही मारिएगा। 19वां नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यदि हम लोग जब भोजन को खाते हैं तो मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले जो माउथ कैविटी के अंदर भोजन जाता है, और मैंने आपको बताया था कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, मुँह से, मुख गुहा से। तो सबसे पहले मुख गुहा में क्या पाचन होता है, क्योंकि भोजन तो बहुत अच्छी रहते हैं, प्रोटीन रहता है, प्रोटीन रहता है, आपका वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो किसका पाचन होगा, तो याद कर लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का पाचन नहीं होता दोस्तों, प्रोटीन का भी पाचन नहीं होता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि हम लोग फिर से मुंह में ना, मुंह के लार जो होता है, लार मतलब पानी, किस चीज़ को देखते हैं अच्छा चीज़ को, तो लार आ जाता है, मतलब पानी आ जाता है मुंह में, इसको बोलते हैं ना लार बोलते हैं। तो लार में फ्रेंड्स क्या होता है ना, आपका एमाइलेज आपका इंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज इंजाइम, है ना, एमाइलेज इंजाइम की सहायता से ही फ्रेंड्स आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें ग्रंथि, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, है ना, बहुत सारे ग्रंथि पाया जाता है आपका लार में। ठीक है, 20वां नंबर, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, तो आवर्धन होता क्या भाई, आवर्धन निकालते ही होंगे हम लोग, आवर्धन क्षमता भी निकालते हैं, है ना, क्या निकालते हैं बताइए, मैं क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, हाँ, तो इसका सबसे जो महत्तम मान होगा ना दोस्तों, एक ही होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस कैसे निकलता है याद कर लीजिएगा, एच नॉट बटे एच निकलता है ना, या कहीं कहीं फिर इसका ना बी बाई यू लिख देता है ना, याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण है, ठीक है, 21वां नंबर क्या होता है आपका, आप मुझे पता है आपको समय ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ सीधे, प्रतिबिंब की फ्रेंड्स दूरी बटा फिर आपका वस्तु की दूरी, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा तो एम निकल जाएगा। ठीक है, 21वां नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कैसे निरूपित किया जाता है, आपका जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें पावर को कैसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अब बच्चे एक ही को याद कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पहला फिर हम लोग करते हैं वी आई के फॉर्म में, मतलब वोल्टेज इंटू करेंट, यदि वोल्टेज दे देगा करेंट दे देगा तो पावर निकाल जाता है गुना करके, ये हो गया वी आई से। एक फिर होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर से डिनोट करते हैं, मतलब वोल्टेज दे देगा और रेसिस्टेंस दे देगा, प्रतिरोध दे देगा, तो इस फॉर्मूला से आप पावर निकाल सकते हैं, शक्ति निकाल सकते हैं। एक होता है फिर आपका
आई स्क्वायर आर, यही तीनों फॉर्मूला है। इसको छोड़ करके कोई भी आपका एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। वी आई वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर, इसी के टर्म से क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। 22वां नंबर, आंख नाक गला के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण क्या होता है? तो याद कर लीजिएगा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। तो हम लोग को चूंकि आंख नाक गला का डॉक्टर क्या करता है, वो बड़ा चीज देखना चाहता है ना, नाक में कुछ फंस गया तो बड़ा देखेगा क्या है भाई नहीं है, गला में फंसेगा तो सब क्या अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। 23वां नंबर, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? आपको ऑप्शन देगा बताइए क्या, एक एक से ज्यादा एक से कम, याद रखिएगा एक से ज्यादा होता है। जी आपसे कोई पूछे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता तो एक से ज्यादा होता, होता कितना है 1.007 होता है, यही होता है ना, तो 1.007 होता है इसका। 24वां नंबर, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और एक कूलम आवेश गुजरने पर चार्ज कितना होगा? तो हम सब फ्रेंड्स पता है फ्रेंड्स कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आवेश गुना विभव। तो फ्रेंड्स हमको आवेश पता है, विभव पता है, आवेश एक कूलम है, विभव 1.5 वोल्ट है, तो गुना कर दीजिए तो 1.5 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत। 25वां नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ये बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सोलर सेल कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं सौर सेल बोला जाता है। सौर सेल से क्या होता है, आपका सनलाइट होता है उसको क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है, सौर सेल में कुछ नहीं होता, फिर सौर सेल में क्या होता है ना, फोटो सेल होता है, फोटो सेल, फोटो सेल में क्या होता है ना, आपका सिलिकन रहता है ना। तो जैसे ही फ्रेंड्स बहुत इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप 12th में पढ़िएगा आकर सेमीकंडक्टर में कैसे सौर सेल कार्य करता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे उससे सनलाइट पड़ता है ना दोस्तों, तो क्या होता है ना कि सिलिकन कार्बाइड में क्या होता है ना, जो जंक्शन बना हुआ रहता है, जैसे लाइट पड़ता है ना तो लाइट से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है मतलब करेंट फ्लो करने लगता है। तो जिन्हें नहीं होता प्रकाश जैसे इसे पड़ता है ना सोलर सेल पे, सॉरी फोटो सेल पे, उसी से यहाँ पे सौर ऊर्जा से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बनता है, ठीक है। जो कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत आपका क्या आपका प्रदूषण रहित वाला है ना, ऊर्जा भी देता है प्रदूषण नहीं फैलाता है। 26वां नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार समझते हैं, उदासीन मतलब, उदासीन तार जो होता है ना फ्रेंड्स आपका ये काला कलर का होता है। आपको के घर में बहुत तरह के तार होते हैं, एक विधुनमय तार होता है, विधुनमय जैसे करंट फ्लो होता रहता है, बहुत टेम्परेचर वाला होता है वो, लाल सुबह ना गर्म तार, गर्म और ठंडा बोलते हैं ना, तो काला होता है ये आपका विधुन, जो आपका उदासीन तार होता है काला होता है, या इसको कहीं कहीं भूरा भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो विधुनमय तार होता है ना दोस्तों वो लाल होता है, याद कर लीजिएगा। तीन तरह के तार होते हैं, काला, हरा और लाल। 27वां नंबर, किस युक्ति में विभक्त बलय दिक् परिवर्तक का काम करता है? इसका मतलब, इस मतलब में क्या कहता है, ये बच्चे समझ नहीं पाते क्या होता है इसका मतलब, दिक् परिवर्तक का मतलब क्या होता है? देखिए दिक् का मतलब डायरेक्शन होता है, अब परिवर्तक का मतलब परिवर्तन करने, चेंज करने वाला। तो फिर कौन सा युक्ति है उसमें विभक्त जो बलय होते हैं, बलय विभक्त मतलब इस तरह का, ये बलय होता है वो डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। तो ये फ्रेंड्स होता है विद्युत मोटर में होता है ना, ये विद्युत मोटर में होता है फ्रेंड्स, क्या करता है आपका, ये डायरेक्शन क्या करता है आपका, चेंज करता है। यदि आपको पता नहीं तो मेरा वीडियो देखेगा विद्युत मोटर का सचित वर्णन, तो मैंने वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया हूं कैसे इस पर आर्मेचर लगा रहता है, कैसे चेंज होते रहता है डायरेक्शन उसका, ठीक है, और उससे करेंट फ्लो होते रहता है, मैं सब बताया हूँ आपको, लेकिन अभी टाइम है नहीं आप लोगों को डिटेल में जानने का, फिलहाल हम लोग समझते हैं इसको। 28वां नंबर, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? मान लीजिए प्रकाश को मोड़ रहा है, मतलब प्रकाश मान लीजिए आ रहा है फ्रेंड्स इधर, हमको मोड़ना है इधर, टेढ़ा करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं विवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, विवर्तन,
मतलब पूरा नहीं अपवर्तन है ना परावर्तन है, ये विवर्तन हुआ ठीक है। ध्रुवन भी बोल सकते हैं आप लोग, कहीं के ध्रुवन बोला जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन है विवर्तन ही रहेगा ठीक है, याद कर लीजिएगा। 29 नंबर फ्रेंड्स, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? देखिए अवतल लेंस है तो मतलब छोटा ही बनेगा, लेकिन दोस्तों यदि आपका रहता है यहाँ पे अवतल दर्पण रहता तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है ठीक है। अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा फ्रेंड्स? आपका सीधा बनेगा। यदि आकार पूछेगा तो सिर्फ छोटा सीधा बोल सकते हैं, इसको आभासी बोल सकते हैं। 30 नंबर दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो याद कर लीजिएगा कॉर्निया के द्वारा। 30 बच्चों का बोर्ड एग्जाम बाकी है, साइंस का पेपर नहीं हुआ है, यूपी बोर्ड है और बहुत सारे बोर्ड है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद आपका ये सारे सवाल है ठीक है, एग्जाम में पक्के आ सकते हैं आप, ये चीज को नोट कर लीजिए आप लोग ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले का आप देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे साइंस का जो सवाल आपका इस बोर्ड एग्जाम का बिहार बोर्ड का, उसमें फिर सारे के सारे सवाल फ्रेंड्स मेरे वीडियो से आए हैं ठीक है। मैं जो सीरीज लाया था एमसीक्यू का, उसमें सारा क्वेश्चन बताया गया, वही क्वेश्चन इस बार आए हैं ठीक है। तो इस बात को बिलीव करके आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को याद करिए, समझिए, क्योंकि एग्जाम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है ठीक है। मिल देंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि आपके जो दोस्त फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं आपके साथ, वो भी वीडियो को थ्रू देखें, क्वेश्चन को जानें ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में।